नमस्कार, मेरा नाम नीरज है और आप दी ललन टॉप पर हैं। आज किस्सा रतन नवल टाटा का। रतन नवल टाटा उनका पूरा नाम है, वालिद नवल टाटा। पैदाइश 28 दिसंबर 1937। एक शख्स जिसने जिंदगी भर सिर्फ बिजनेस किया और कुछ नहीं, फैसले लेता गया और फिर उन्हें सही साबित करता गया, अपनी जिद से, जुनून से, लगन से। लेकिन आज बात बिजनेसमैन रतन टाटा की नहीं, बल्कि एक इंसान रतन टाटा की, उनकी निजी जिंदगी के किस्सों की, जिनका असर उनकी पेशेवर जिंदगी पर भी पड़ा। जरा नोश फरमाइए, बात 1999 की है। टाटा को इंडिका कार मार्केट में लाए एक साल हो रहा था। 1998 में लॉन्च हुई ये हैचबैक कार टाटा के लिए कोई खास फायदेमंद साबित नहीं हुई, इसीलिए रतन टाटा इससे पिंड छुड़ाने का मन बना रहे थे। बात आगे बढ़ी और पहुंची अमेरिकी कंपनी फोर्ड के पास। फोर्ड टाटा का ये कार वेंचर खरीदने में इंटरेस्टेड थी। मीटिंग्स का दौर शुरू हुआ। पहली मीटिंग मुंबई में हुई और दूसरी अमेरिका में फोर्ड के हेडक्वार्टर डेट्रॉइट में। रतन वहां चले गए। शुरुआत में तो सब ठीक था, लेकिन डेट्रॉइट में फोर्ड के अधिकारियों का एटीट्यूड बहुत ही भद्दा था। उन्होंने ये जताया कि टाटा का कार वेंचर खरीदकर वो टाटा पर एहसान करने जा रहे हैं। एक फोर्ड अधिकारी ने यह भी कहा, जब आपको पैसेंजर कार के बारे में कुछ पता ही नहीं है तो फिर आपने इस बिजनेस में कदम ही क्यों रखा। आपके कार बिजनेस को खरीदकर हम आप पर एहसान ही करेंगे। डेट्रॉइट से लौटते समय रतन उदास थे। जाहिर है ये बात उन्हें दिल पर लगी। रतन ने कह दिया और डील कैंसिल हो गई। इसके 9 साल बाद वो मौका आया जब रतन ने अपने अपमान का बदला लिया। 2008 में फोर्ड दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई थी। अमेरिकी कार सेक्टर में उसकी हालत खराब थी। तब टाटा ग्रुप ने फोर्ड के सबसे बड़े ब्रांड में से जैगुआर और लैंड रोवर को खरीदने का फैसला किया। इस डील के बाद खुद बिल फोर्ड ने रतन टाटा से कहा था, JLR खरीदकर आप हम पर एहसान कर रहे हैं। अब दूसरे साल पहुंचते हैं, ये अक्टूबर 2016 की बात है। रतन को ग्वालियर के सिंधिया स्कूल में होने वाले एक फंक्शन में शरीक होना था। स्कूली बच्चों के साथ स्कूल की तरफ से मैनेजमेंट के कुछ लोग और एक स्टूडेंट एयरपोर्ट पर टाटा को रिसीव करने पहुंचे। उस बच्चे ने बाद में बताया, मुझे लगा था कि उनके साथ ढेर सारे लोग होंगे। मुझे लगा कि उनके साथ सेक्रेटरीज की फौज होगी, बॉडीगार्ड्स, बाउंसर्स और ढेर सारे बैग होंगे। मैं काफ़ी देर तक इन सारी चीज़ों का इंतज़ार करता रहा, लेकिन कोई आया ही नहीं। असल में रतन टाटा अकेले आए थे, बिना किसी तामझाम के। बाद में एयरपोर्ट के एक कर्मचारी ने मैनेजमेंट के लोगों को जूट का एक बैग दिया और बताया कि रतन इतना ही सामान लेकर आए हैं। इस घटना के बाद से उस बच्चे के मन में रतन टाटा के लिए इज्जत और भी बढ़ गई। इसके बाद अब आप जो सुनेंगे उस पर एक पल आपको भरोसा नहीं होगा। भारत चीन युद्ध की वजह से नहीं हो पाई रतन टाटा की शादी। रतन टाटा ने शादी नहीं की, जिंदगी भर काम ही करते रहे, अब भी कर रहे हैं। वैसे तो उन्हें अपनी लव लाइफ के बारे में बात करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन एकाध मौकों पर उन्होंने अपनी जिंदगी का ये पहलू साझा किया। CNN इंटरनेशनल को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि अमेरिका में पढ़ाई के दौरान उन्हें एक लड़की से प्यार हुआ था। दोनों का रिश्ता काफ़ी मैच्योर था और दोनों शादी के लिए तैयार भी थे, लेकिन लड़की इंडिया नहीं आना चाहती थी। उसी दौरान भारत और चीन के बीच जंग छिड़ गई। उस समय के हालात देखकर रतन की प्रेमिका बहुत डर गई थी। उधर भारत में रतन की दादी की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से उन्हें भारत लौटना पड़ा। रतन भारत आ गए, लेकिन उनकी प्रेमिका नहीं आई। कुछ दिनों बाद उन्होंने अमेरिका में ही किसी और से शादी कर ली। उस इंटरव्यू में रतन ने कबूल किया था कि 4 बार उनकी शादी बस होते होते रह गई। है ना जोरदार किस्सा। अब वहां से आते हैं साल 2008।
26/11 के हमले ने मुंबई को हिला कर रख दिया था। उस हमले में होटल ताज भी निशाना बनाया गया था, जहां कई पर्यटक मार दिए गए थे। एनएसजी कमांडोज और पुलिस की मदद से जब ऑपरेशन खत्म हुआ, तब रतन टाटा की दरिया दिली देखने को मिली थी। उनके होटल में जितने भी लोग घायल हुए थे, उन सभी का इलाज टाटा ने ही कराया था। हॉस्पिटल में इलाज के दौरान रतन उन लोगों का हालचाल लेने भी पहुंचे थे। इसके अलावा होटल के आसपास पाव भाजी और मछली वगैरह का ठेला लगाने वाले जो लोग प्रभावित हुए थे, उन्हें भी रतन टाटा की तरफ से मदद मिली थी। इनमें से कुछ घायल हुए थे, जबकि गोलीबारी की वजह से कुछ लोगों के ठेले तबाह हो गए थे। क्रॉस फायरिंग में एक ठेले वाले की बच्ची भी घायल हुई थी। उसके शरीर में धसी गोलियां निकालने का पूरा खर्च टाटा ने उठाया था। साथ ही जितने दिन होटल बंद रहा, उतने दिनों तक होटल के सभी कर्मचारियों को पूरी सैलरी दी गई थी। कहा जाता है कि टाटा कंपनी में नौकरी सरकारी नौकरी जैसी होती है। लोगों को बहुत सारी सहूलियतें दी जाती हैं। हमले के दौरान ताज होटल के कर्मचारियों ने भी पूरी जिम्मेदारी दिखाई थी। हमले के बाद कर्मचारियों ने भागने की बजाय होटल में मौजूद लोगों की मदद की थी और बाद में सुरक्षा कर्मियों की भी मदद की थी। ये बात इसीलिए भी खास है क्योंकि ताज हमले के प्रभावितों को महाराष्ट्र सरकार की तरफ से मुआवजे के लिए लंबे समय तक भटकना पड़ा था। दिलचस्प और रोचक किस्सा रतन टाटा का। ये वीडियो यहीं खत्म। बाकी सारे वीडियोस के लिए आप हमारे फेसबुक, यूट्यूब और वेबसाइट के पते पर आते रहा करें। शुक्रिया।